अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, जिसके अंदर हम दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं, यानी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो किस तरीके से वो आपस में बातचीत करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस हैं आपके पास, डायल अप मॉडम एंड नेटवर्क इंटरफेस का। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है बेटा डायल अप मॉडम। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब आप कम्युनिकेशन डिवाइस पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स के अंदर के कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है, तब मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट एक दो लेक्चर के बाद जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन डिवाइस बेसिकली क्यों लगाई जाती है। ठीक है, तो उसका बेसिक काम ये होता है सिग्नल्स को कन्वर्ट करना। ठीक है, अब ये आपके सामने एक छोटी सी फिगर बनी हुई है जिसके अंदर कंप्यूटर है दोनों एंड्स पे और दरमियान में आपके पास वायर है, यानी ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन लाइन है, टेलीफोन लाइन जो लिखा हुआ है जिसके ऊपर, और मॉडम बने हुए हैं दो। ठीक है, इन मॉडम्स का यहाँ पे क्या काम है ये मैं आपको बताऊँगा कि अ डायल अप मॉडम, जिसका मॉडम जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिल के बना है, एम ओ। ठीक है, एक एम ओ वर्ड है और एक है डी ई एम, जिसको इकट्ठा करके आप मॉडम बोलते हैं। एम ओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डी ई एम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। अब ये क्या काम करते हैं ये मैं भी आपको पढ़ के बताता हूँ, आप बुक में लिखा हुआ है, आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। कहते हैं कि इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड सेंड एंड रिसीव द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। डाटा को आपस में एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट ट्रांसलेट्स कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इन टू द फॉर्म ऑफ दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन। तो बेसिक अब यहाँ पे इस लाइन में ही जवाब है इसका कि मॉडम क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडम इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह टेलीफोन लाइन से गुजर के जाना है, तो वो इस काबिल हो कि जब वो टेलीफोन लाइन में गुजर रहे तब भी आपका डाटा लॉस ना हो, और जब वो आपके कंप्यूटर तक पहुँचे तब भी आपका डाटा लॉस ना हो। अब नीचे वाली लाइन के अंदर उन्होंने आपको बताया भी हुआ है कि वो बात की बात है कि मॉडम कौन सी दो टाइप्स के होते हैं, इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इज़ स्टोर डिजिटली। जो मेन चीज़ है समझने के लिए कि मॉडम क्या काम करते हैं वो ये है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, आप शुरू से पढ़ते आए कि आ रहे हैं, डेफिनेशन आपने 767 में भी पढ़ी हुई है, कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल डिवाइस। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइस का मतलब यह है कि इसमें स्टोर डाटा जो होता है वो डिजिटली होता है, ज़ीरो और वन की फॉर्म में होता है, और डिजिटल फॉर्म जो है वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं समझ सकता। वेयर एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन्स, तो जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है टेलीफोन लाइन से, वो क्या, वो कौन सा होता है, वो आपका एनालॉग होता है। ठीक है, तो दो किस्म का डाटा होता है आपके पास, दो किस्म के सिग्नल्स होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होते हैं और एक डिजिटल सिग्नल होते हैं। ठीक है, मॉडम का काम ये होता है कि जब डाटा वायर में से गुजर रहा हो, यानी तार में से गुजर रहा हो, टेलीफोन लाइन में से गुजर रहा हो, तो वो एनालॉग होना चाहिए, और जब वो कंप्यूटर के पास पहुंचे तो वो क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। और नेक्स्ट लाइन के अंदर ये बताया गया है कि मॉडम कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एंड देन एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल विच इज़ कॉल्ड द डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, आपको ये सामने दो जो नज़र आ रही हैं पिक्चर्स बनी हुई कंप्यूटर्स की, जब डाटा कंप्यूटर में से निकलेगा तो वो कौन सा होगा, डिजिटल डाटा होगा। ठीक है, तो मॉडम क्या करेगा, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। जब डाटा वायर में से गुजर के अगले एंड पे जाएगा, अगली डिवाइस के पास जाएगा, तो वहाँ पे भी मॉडम लगा हुआ है, वहाँ पे मॉडम क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इस वजह से जो है दरमियान में मॉडम लगाया जाता है, कम्युनिकेशन डिवाइस लगाई जाती है। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड, आप एक बात याद रखें कि कोई भी कंप्यूटर जो है विदाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होता। ठीक है, आजकल के दौर में
आप लोग जो हैं वो सारे के सारे वाईफाई इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, इवन के लैपटॉप के अंदर भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है जहाँ पे आपकी इंटरनेट की जाके तार लगती है, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड है, ये एक्स्ट्रा लगा होता है दैट एनेबल्स द कंप्यूटर टू कनेक्ट अ नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ईच एन आई सी हैज़ अ यूनिक सीरियल नंबर, दिस नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। अब जाहिर सी बात है इसकी, इस बात को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, और हर एक बच्चे का जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट रोल नंबर है, डिफरेंट नेम है, डिफरेंट क्लास है, हर सॉरी क्लास कह रहा हूँ, डिफरेंट नेम है, डिफरेंट उसका जो है वो नाम है, तो हर एक की आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए जब आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, आपके दोस्त की आइडेंटिटी डिफरेंट है, थर्ड पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से है इनके सीरियल नंबर एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। फिगर 1.9 शोज द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपको इस फिगर के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है बेटा। एक छोटा सा टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी बेटा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।